और क्या हालचाल है मेरे शेयर दोस्तों, कुछ बढ़िया ना। तो आ गया हूं मैं वापस नया वीडियो के साथ। तो आपने कभी ना कभी मोनो स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर, सराउंडिंग स्पीकर या फिर डॉल्बी एटमॉस, ये चार नाम कहीं ना कहीं पे सुना या फिर पढ़ा तो होगा ही। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारी चीजें क्या है? अबे ओ, इतना सोच मत, अंदर कुछ टूट जाएगा। मैं हूं, बता दूंगा। बता दे फिर, छोटा सा इंट्रो लगा, उसके बाद से बता देंगे। तू क्या देख रहा है? लगा इंडिपेंडेंट बोलने के लिए चाहिए अंदर डेर, ये लिफ्ट लेके आ रहे अपन चला रहे ले पैर, ओनली हार्ड वर्क रखसे पहले। तो नंबर वन मोनो स्पीकर, अब इसको कैसे समझाऊं? मान लीजिए ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मैं मोनो माइक के साथ शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास कितनी भी कीमती से कीमती स्पीकर सिस्टम ही क्यों ना हो, आपको मेरी आवाज जो है वो सारे के सारे स्पीकर से सेम टू सेम यानी कि बराबर ही सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो है वो शूट हो रहा है मोनो ऑडियो स्पीकर, मेरा मतलब है माइक के साथ। अब यही वाले वीडियो को अगर मैं स्टीरियो एनेबल्ड माइक में शूट करता हूं, तो ये वीडियो आप थोड़ा सा ईयर प्लग लगा लीजिए, अपना मतलब हेडफोन लगा लीजिए, तो आपको बराबर समझ आएगा। लगा लिया, ओके। तो यही वाले वीडियो को अगर मैं अभी स्टीरियो एनेबल्ड कोई माइक से शूट करता हूं, तो आपको मेरी आवाज राइट से अगर कोई मतलब मैं आवाज करता हूं, या फिर ये आवाज जो आप सुन रहे हैं ये आपको राइट से आ रहा और हो भी नहीं रहा, ये आवाज जो है वो आपको लेफ्ट से सुनाई दे रहा होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं स्टीरियो स्पीकर्स। हालांकि मोनो स्पीकर के तुलना में स्टीरियो स्पीकर का जो ऑडियो फाइल होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और सुनने में भी आपको काफी ज्यादा क्रंची एक फील देता है, ठीक है। इसी को अगर आप मोनो ऑडियो में भी ट्राई करेंगे तो दोनों हेडफोन में आपको मेरी आवाज सेम टू सेम आएगी और स्टीरियो हेडफोन में राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में आवाज सुनाई देगा। और तीसरे नंबर पे जो है वो है सराउंडिंग स्पीकर। अब सराउंडिंग स्पीकर का मतलब बेसिकली यही है कि आपके चारों तरफ स्पीकर्स ही स्पीकर्स लगाए हुए होंगे। वो क्यों? आपको एक वर्चुअल रियलिस्टिक फील देने के लिए ये सराउंडिंग स्पीकर्स बेसिकली लगाए जाते हैं। मतलब आपके सामने में कुछ स्पीकर्स होंगे, पीछे में कुछ स्पीकर्स होंगे, आजू बाजू में कुछ स्पीकर्स होंगे, ऊपर कुछ स्पीकर्स होंगे, मतलब पूरा आपको ऐसा लगेगा जब ये मूवी वगैरह में होता है या फिर आप अपने घर पे भी ये सब सेटअप करवा सकते हैं, काफी महंगा आता है। तो उसको जब आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको लगेगा कि आप किसी सीन के बीच में बैठे हैं और आपके सामने में ये सब कुछ हो रहा है, मतलब पूरी की पूरी आप एक 3D दुनिया में चले जाएंगे। इसी को कहा जाता है सराउंडिंग स्पीकर और इसी के अंदर आता है डॉल्बी एटमॉस। अब ये जो चीज है ये एक प्रीमियम लेवल का मतलब म्यूजिक सिस्टम है। इसके एनेबल्ड होने पे आपका जो सराउंडिंग स्पीकर है वो पूरा खेल उठेगा। आपको सराउंडिंग स्पीकर तो मिल ही रहा था, इसी के साथ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रंचीनेस मिलेगा साउंड में। मतलब मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं सराउंडिंग स्पीकर के साथ और कोई सीन, कोई कार आपके सामने से आ रहा है और एक्सीडेंट का सीन है, उसके बाद साइड से कोई कार गया टूट फूट के, इधर से लोग मर रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर में पुलिस आपके पीछे में है, तो ये सब चीजों में ना आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फील होगा। आपको लगेगा कि आप सीन के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं या फिर बैठे हैं और आपके आजू बाजू में ये सब हो रहा है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कुछ नॉर्मल स्मार्टफोन के बारे में जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस आता था या फिर आता है अभी भी, उनमें भी ये सारी चीजें हेडफोन के जरिए से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हेडफोन में खाली दो ही स्पीकर है और वो भी काफी छोटे छोटे, तो आपको सराउंडिंग स्पीकर जैसा फील तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, काफी हद तक कोशिश किया जाता है हेडफोन में भी कि आपको जहां से आवाज आ रहा है वही का सुनाया जाए। वो क्या देख रहे हो भाई, वीडियो खत्म हो गया? यही तक था तो आज का वीडियो, आपको पता चल गया ये चार चीजें क्या है नहीं है। अभी दोस्तों को भी बताओ, जाओ शेयर करो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो बे, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो। मिलता हूं मैं कल, बाय। जो इनके ख्वाब अपन जीरे ले, सबको लगी घाय मेरा भाई, जरा धीरे से दूसरे को भी तो जीने दे, आज इसी में बैठे ले।